हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। ये हम बैंगन लिए हैं, इसका हम बैंगनी बनाने चले हैं। तो बैंगन हम छीलेंगे नहीं, छील देंगे तो एकदम मुलायम हो जाएगा। तो इस तरफ हम गोला गोला काट रहे हैं इसको, पतला पतला, ज़्यादा हम मोटा नहीं काटेंगे। बैंगन हमको मुलायम ही लेना है, ज़्यादा बियाँ इसमें देख लीजिए नहीं है, अच्छा बैंगन है। ये हमारा बैंगन कट के रेडी है, इसको हम हल्का सा धुल लेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे बनाने की। अब हम बेसन का घोल बनाने चल रहे हैं। बैंगन हमारा काट के धुल लिए थे, ये हमने बेसन लिया है चने का, ये हल्का से हम सूजी लिए हैं, सूजी से हल्का कुरकुरापन रहता है। और ये हमारा मिर्चा है, लाल वाला खड़ा खड़ा है। और ये हल्दी पाउडर है, ये मिर्चा पाउडर थोड़ा सा लिए हैं, जीरा पाउडर, मीठा सोडा है हमारा थोड़ा सा। इसका हम घोल बनाने चल रहे हैं मिला के सब। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे और हम इसका घोल तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये इसका हम घोल रेडी कर लिए हैं। लगभग इसको 2 मिनट तक ऐसे फेंट देंगे ताकि अच्छे से इसमें सब चीज़ मिल जाए। और थोड़ा सा बैंगन में डालें तो फूलने लगे, फूली फूली बने। इसको थोड़ा गाढ़ा हम किए, पतला ही हमारा नहीं है, ये देखिए। इसको ऐसे हम छोड़ देते हैं, ये भी हम 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। तब तक हमारा ये रेडी हो जाए, हम ऑयल रखते हैं गर्म होने के लिए। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम बैंगन को इस तरीके से हम बेसन में दोनों तरफ लगा के ये डाल रहे हैं। इसको हमको 2 मिनट में पकाना है। ये हैं, अब इसको हम प्लेट में निकाल रहे हैं। जो बची हुई है इसी तरह हम पूरा प्लेट से निकाल लेते हैं। धीमी आंच में ही हमको पकाना है। ये हाँ फ्रेंड्स, ये हमारी बैंगनी बन के रेडी हुई है। इस तरह से बनी हुई देख लीजिए, कितनी कुरकुरी है, क्रिस्पी भी है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। अगर ये तरीका मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।